सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नए साल की शुरुआत से एक दुखद हादसे से इस साल की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर में कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में देर रात करीब 2:45 बजे मची भगदड़ की वजह से 12 लोगों की जान चली गई और 16 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को कटरा के नारायण अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 4 घायलों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उनमें धक्का मुक्की हो गई और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में जान गंवाने वाले जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो यात्री पहुंचे थे वो शामिल है। वहीं हादसे के बाद यात्रा जारी है। उधर केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। मदद और जानकारी के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं हादसे की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 3 सदस्य की कमेटी इस मामले की जांच करेगी। गृह मंत्रालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जम्मू के डीजीपी और डिविजनल कमिश्नर इस कमेटी में शामिल होंगे। ये हादसा बहुत दर्दनाक दुखद है, क्योंकि साल के पहले दिन यात्री पहुंचते हैं नववर्ष मनाने के लिए, माता के दरबार पहुंचते हैं ताकि मां का आशीर्वाद लेकर आने वाले साल के लिए मंगल कामनाएं की जा सके, मां का आशीर्वाद लिया जा सके। लेकिन ऐसे में ये घटना कहीं ना कहीं दुख पैदा करती है। दर्दनाक यह हादसा है कि भगदड़ की वजह से 12 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति तमाम देश के लोगों की संवेदनाएं पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता इस पूरे मामले पर दुख जता रहे हैं। उधर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में मची भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि श्री माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से अत्यंत दुखी हूं। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। साथ ही पीएम मोदी ने घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से हादसे को लेकर बातचीत की और हालात पर नजर बनाए रखने के लिए भी कहा और खुद भी इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र दुबे जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है, इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, क्या स्थिति है? देखिए खुशबू, बिल्कुल अभी के हालात की अगर बात की जाए तो कई जो नेता हैं भाजपा के, चाहे वो देवेंद्र सिंह राणा हो या वाइस प्रेसिडेंट जो सुरजीत सिंह सलाथिया जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी नारायणा हॉस्पिटल जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और घायलों का हालचाल जानने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पूरी तरीके से इसकी जो जांच है वो पूरी तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, श्राइन बोर्ड के आला अधिकारी और सीआरपीएफ के बड़े ऑफिसर, सेना के जो लोग हैं वो भी वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे हैं। कुछ लोग कटरा में हैं, घायलों का हालचाल जो है वो वहां पर जान रहे हैं और वही पूरी तरीके से इसकी जांच जो है वो भी वहां पर शुरू हो गई है। परंतु फिलहाल जिस तरीके से वहां पर इस हादसे के बाद तकरीबन 12 लोगों ने अपनी जो जान है वो वहां पर गवाई है, उसके बाद से वहां पर यात्रा जो है वो पूरी सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। फिलहाल पैनिक ना हो जिसके चलते यात्रा को शुरू किया गया है, परंतु अभी भी यात्रा जो है आराम से चल रही है, परंतु कई जो आला अधिकारी है इसकी जांच में वहां पर लग गए हैं। जी राजेंद्र, ये बताइए जो यात्री अभी वहां मौजूद हैं, क्योंकि भगदड़ के बाद आम लोगों में ये डर की स्थिति, डर का माहौल बन जाता है, कुछ ना होते हुए भी वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जो यात्री वहां पर हैं किस तरह का माहौल उनमें बना हुआ है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखो खुशबू, बिल्कुल आपको एक बात बता दूं कि साल का नया पहला दिन था, कई पिछले सालों के मुकाबले इस बार भी जो यात्री हैं भारी संख्या में वहां पर महावैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे थे और पहले दिन माता के चरणों में हाजिरी लगा के नए साल की शुरुआत जो है वो करना चाहते थे। फिलहाल हर साल जहां पर भारी संख्या में जो भीड़ है वो वहां पर होती थी, परंतु इस बार वहां पर तकरीबन काफी ज्यादा भीड़ थी। उसके बाद जो 2 गुटे आपस में उनकी जो है वहां पर उनकी आपस में उनकी कहा सुनी हुई, उसके बाद वहां पर जो हालात है वो वहां पर बिगड़े हैं, जिसके चलते भगदड़ में 12 लोगों ने अपनी जो जान है वो वहां पर गवाई है। फिलहाल वहां पर पैनिक
कल से वहाँ पर जो कई जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो सबसे बड़ी बात, वहाँ पर जो जितने घायल हैं उनको वैष्णो देवी के दरबार से नारायणा हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पर लाया गया, उनका जो इलाज है वो वहाँ पर चला, जिसका इलाज का सारा खर्चा जो है वो श्राइन बोर्ड जो है वो वहाँ पर उठा रहा है। फिलहाल पूरे तरीके से यात्री जो है अभी भी भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो कटरा में वहाँ पर रुके हुए थे। रात को यात्रा जो है वो वहाँ पर कटरा में रोकी गई थी, सुबह से वहाँ पर जो यात्रा है वो वहाँ पर शुरू की गई है, क्योंकि यात्रा वहाँ पर रोकी जाती और उसके बाद से काफी ज्यादा अटकलें जो थी वो लगाई जाना शुरू हो जाने की, फिलहाल की यात्रा जो है वो क्यों वहाँ पर रोकी गई है, यात्रा शुरू कर दी गई है और इसकी जांच के विषय भी वहाँ पर दे दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि जो लोग मृतक घोषित किए गए हैं, संख्या 12 बताई जा रही है, क्या इतनी ही संख्या है या अभी और भी जांच जारी है, क्या मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल अभी आपको बता दूं तकरीबन 14 से ज्यादा लोग जो हैं वो फिलहाल घायल हैं, जिनमें से 3 लोगों की जो हालत है गंभीर जो है वो वहां पर बताई जा रही है। और उसके बाद नारायणा हॉस्पिटल में जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे ऑफिसर हो चाहे डॉक्टर हो, पूरी तरीके से उनकी जो जान बचाने में वहां पर लगे हुए हैं। कई नेतागण भी वहां पर पहुंचे हैं, आला अधिकारी जो है वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो उसके बारे में भी पूरी तरीके से डॉक्टर जो है वो जांच वहां पर उनकी जो सेहत जो जांच है वो वहां पर लगे करने में लगे हुए हैं। फिलहाल यात्रा वहां पर चल रही है और भारी संख्या में जो यात्रा है अभी भी कटरा और वैष्णो देवी के रास्ते में और वैष्णो देवी के दरबार में वहां पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर माता की हाजिरी वहां पर लगाने में लगे हुए हैं। फिलहाल साल के पहले दिन ये दुखद घटना जो है वो वैष्णो देवी के दरबार से वहां पर निकल के आई है, परंतु यात्रियों में अभी भी उत्साह है और वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, और लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त तमाम जो जांच कमेटी है वो वहां पर इस पूरे मामले की जांच के लिए भी मौजूद है। तमाम चाहे मेडिकल स्टाफ की बात करें या पुलिस स्टाफ की बात करें, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। हालांकि लोगों से भी ये अपील की जा रही है और हम भी MH1 प्राइम के माध्यम से ये अपील कर रहे हैं कि पैनिक ना हो, और इसी भगदड़ की वजह से ये हालात बने हैं, इसी भगदड़ की वजह से लोगों की जान चली गई है। तो हम अपील करते हैं कि लोग किसी भी तरह की किसी भगदड़ को लेकर या पैनिक होने की उनको जरूरत नहीं है, तमाम चीजें अब आराम से उसको लेकर प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम धीरे धीरे किए जा रहे हैं। लेकिन वाकई क्योंकि साल का पहला दिन, तमाम लोग वहां पहुंचते हैं दर्शनों के लिए माता के दरबार में, ताकि साल की शुरुआत धार्मिक लिहाज से हो, साल की शुरुआत मां के आशीर्वाद से हो। लेकिन इस दौरान ये दुखद घटना कहीं ना कहीं सभी का मन कचोटती है, तमाम लोग इस घटना से दुखी हैं। जम्मू कश्मीर में कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में देर रात करीब 3:45 बजे भगदड़ मचने से 12 लोगों की जान चली गई और 16 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को कटरा के नारायण अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 4 घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और ये कहासुनी विवाद में तब्दील हो गई। इसके बाद धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते हालात बिगड़ गए, जिसके बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में जान गंवाने वाले जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और UP से यात्री पहुंचे थे। वहीं हादसे के बाद यात्रा जारी है। उधर केंद्र सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मदद और जानकारी के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं हादसे की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी इस मामले की जांच करेगी। गृह मंत्रालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जम्मू के ADGP और डिविजनल कमिश्नर इस कमेटी में शामिल होंगे, इस पूरे मामले की जांच करेंगे। देर रात 3:45 बजे गेट नंबर 3 पर यह भगदड़ मची, जिस तरह से हमने आपको बताया कि कुछ युवकों के बीच कहासुनी हुई, उसके बाद विवाद हुआ और भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 12 लोगों की जान चली गई है। और ये बेहद दुखद घटना, साल की शुरुआत में इस तरह की दुखद घटना मन को कचोटती है, और ये तमाम जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों के प्रति पूरे देश की संवेदनाएं इस वक्त व्यक्त की जा रही हैं। साथ ही साथ तमाम राजनीतिक लोग भी इस पूरे मामले पर दुख जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम
नेताओं ने इस पूरे घटना पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें केंद्र की ओर से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है, साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, 3 सदस्य कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। और कुछ देर पहले हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी उसके हिसाब से इस वक्त प्रशासन के तमाम आला अधिकारी वहां मौजूद हैं, क्योंकि पैनिक मोड में आ जाते हैं तमाम यात्री किसी घटना के बाद। और ये बेहद दुखद हादसा जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, हालांकि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, 4 लोगों को छुट्टी भी दी जा चुकी है, 2 की हालत गंभीर भी बनी हुई है। इसी के साथ साथ सरकार ने, प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी यात्री को इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी पता चलती है तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर, इस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके जानकारी जरूर दें। ये कटरा PCR का नंबर है जो TV स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। PCR रियासी का भी नंबर दिया गया है प्रशासन की ओर से, जिस पर फोन कर अगर इस मामले से संबंधित कोई भी जानकारी है तो वो दी जा सकती है। लेकिन आज साल की शुरुआत इस दुखद घटना के साथ हुई है, जब 31 तारीख को लोग जश्न मनाते हैं, पूरी दुनिया में जश्न का माहौल होता है, लोग जाने वाले साल को अलविदा कहते हैं, आने वाले साल का खुशियों के साथ स्वागत करना चाहते हैं। ऐसे में देर रात माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे यात्री बहुत सारी उमंगों के साथ पहुंचे थे, माता के दर्शन करना चाहते थे, भीड़ चूंकि बहुत ज्यादा थी, इसी भीड़ में यह हादसा हुआ है। युवकों के बीच कहासुनी हुई, अभी जो प्रारंभिक जांच है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है, युवकों के बीच कहासुनी हुई, कहासुनी धक्का मुक्की में बदली और उसके बाद भगदड़ मच गई। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी उसका असर ये हुआ कि 12 लोगों की जान चली गई है। दुखद घटना, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी दुख जताया है, तमाम राजनीतिक हस्तियों ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जाहिर किया है और देश के तमाम लोगों की ओर से भी इस पूरे घटना पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन ने भी मृतकों की सूची जारी कर दी है। धीरज कुमार 25 साल के, जो नौशहरा यानी राजौरी से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे थे। श्वेता सिंह जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। विक्रम सिंह की पत्नी गाजियाबाद से ये माता के दर्शन करने पहुंची थी। धर्मवीर सिंह सालापुर, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पहुंचे थे नए साल में माता के दर्शन करने। विनीत कुमार भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ही पहुंचे थे। ये वो सूची है मृतकों की जो प्रशासन की ओर से, अस्पताल की ओर से जारी की गई है। डॉक्टर अर्जुन प्रताप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पहुंचे थे। विनय कुमार 24 वर्षीय थे, दिल्ली के बदरपुर से वैष्णो देवी दरबार पहुंचे थे और दिल्ली के बदरपुर से ही सोनू पांडे भी दरबार में पहुंचे थे, जिन्होंने इस भगदड़ में जान गंवाई। वहीं ममता सुरेंद्र सिंह की पत्नी, सुरेंद्र बीरी की पत्नी है, झांझर से श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ मचने की वजह से जिन लोगों की जान गई है उनकी सूची अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई है। 16 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं।